सर पठान का टीजर आ गया है, क्या लगता है फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 का फर्स्ट डे कलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? जी हाँ, फिल्म में पोटेंशियल तो है। देखिए हम ये नहीं अभी से नहीं कह सकते ना कि तोड़ेगी कि नहीं तोड़ेगी। किसी को केजीएफ भी जब रिलीज हुई थी किसी को पता भी नहीं था, ना नॉन हॉलीडे पे रिलीज हुई थी वो, किसी को कुछ नहीं पता था। किसी ने सोचा था क्या कि वो 54 करोड़ का रिकॉर्ड बना के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी? नहीं पता था, वो बनने के बाद ही पता चलता। तो पोटेंशियल की अगर बात किया तो पठान में वो पोटेंशियल है, वाकई में है, जो बॉलीवुड की मतलब बॉलीवुड तो खैर बोलना सही नहीं है, मतलब हिंदी भाषा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाले फर्स्ट डे व कलेक्शन की फिल्म को ब्रेक रिकॉर्ड कर सकती है। वो केजीएफ ने अपने नाम कर लिया था, वॉर का रिकॉर्ड को तोड़ के केजीएफ ने अपने नाम कर लिया था हिंदी में रिकॉर्ड, जबकि कन्नड़ा फिल्म होते हुए। ये बड़ी बात थी, बहुत अच्छी बात है, अप्रिशिएट करते हैं हम केजीएफ को, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुझे लगता है पठान में वो दम है, वो पोटेंशियल है पठान में कि उस रिकॉर्ड को 54 करोड़ के कलेक्शन के रिकॉर्ड को तोड़ के या तो इवन 55 से 60 करोड़ के बीच का कलेक्शन करने का दम खम रखती है। और उसके पीछे कई सारे रीजन अब और ऐड हो गए। पहले मैं कह सकता था कि शायद मुश्किल होता, क्योंकि हम जानते हैं कि पहले आदि पुरुष चल रही होती, एक तो वैसी भाईजान चल रही होती सलमान भाई की, ठीक है, फिर आदि पुरुष भी आ जाती तो कहीं ना कहीं स्क्रीन थोड़ी बहुत आप इतना नहीं घेर पाते ना। हमारे पास स्क्रीन होती नहीं इतनी ज्यादा, हमारे पास पूरे देश भर में टोटल 12,000 तो स्क्रीन है, उनमें से कितनी सारी स्क्रीन तो वो साउथ वाली है तो वो गिनती में ही नहीं आती है कुल मिला के, ठीक है। तो ओवरऑल ये चीज़ें हो जाती, अब कोई फिल्म ना आगे है ना पीछे, तो सारी की सारी स्क्रीन जो पठान को ही मिलेंगी। इसलिए अच्छी स्क्रीन में रिलीज होना फिल्म के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर आप लोग फर्स्ट डे कलेक्शन की बात करें ना या ऐसे, तो फर्स्ट डे कलेक्शन के लिए हमेशा स्क्रीन काउंट ज्यादा होना जरूरी है। अब पठान के आसपास कोई फिल्म नहीं, तो ऐसे में पठान को जबरदस्त स्क्रीन, बहुत ज्यादा स्क्रीन मिलने वाली है, आराम से 4,500 से ऊपर स्क्रीन में फिल्म लगेगी, मुझे जहां तक ऐसा लगता है। इवन कम से कम मिनिमम 4,500 स्क्रीन में फिल्म लगेगी। और अगर 4,500 स्क्रीन में फिल्म रिलीज होती है तो मैं तय मानता हूं ये वाकई में फिल्म 55 करोड़ के रिकॉर्ड बना सकती है और 54 करोड़ के कलेक्शन का फर्स्ट डे का रिकॉर्ड केजीएफ का तोड़ सकती है। ऐसा पूरा दम मुझे लगता है पठान के अंदर ओवरऑल। लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि जिस लेवल का इन्होंने टीजर दिया है ना जबरदस्त तरीके से, मुझे लगता है शायद दिसंबर एंड में 25 दिसंबर को, 25 का ये लोग चलाते हैं ना, 25 की मार्केटिंग जो चल रही है, 25 तारीख, मुझे लगता है शायद 25 दिसंबर को ये लोग ट्रेलर देंगे और 25 दिसंबर को ट्रेलर भी उसी लेवल का दे जिस लेवल का इन्होंने टीजर दिया। फिर पठान को कोई भी नहीं रोक सकता है, ना कोई बायकॉट वायकॉट वालों की तो किसी कोई औकात ही नहीं है। मुझे लगता है पठान ब्लॉकबस्टर होगी और रिकॉर्ड्स बनाएगी।